मेरा नाम अरहम है और मैं कनेक्ट हेयर का को-फाउंडर हूँ। मेरा नाम अजीमा धानजी है और मैं कनेक्ट हेयर की सीईओ को-फाउंडर हूँ। कनेक्ट हेयर साउथ एशिया का पहला और लार्जेस्ट स्टार्टअप है जो कि फोकस्ड है साइन लैंग्वेज लिटरेसी और डेफ एक्सेसिबिलिटी पर। कनेक्ट हेयर 2017 में मैंने अपनी को-फाउंडर अजीमा के साथ स्टार्ट किया था। हम लोग एक दूसरे को 10-12 साल से जानते थे और हमारा पर्पस यही था कि हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, डेफ कम्युनिटी जो जितने भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उन्हें एम्पावर करना था। फॉर मी इट वाज वेरी वेरी पर्सनल बिकॉज मुझे जिन्होंने बड़ा किया है माय पेरेंट्स दे आर डेफ एंड साइन लैंग्वेज मेरी मदर टंग है। इट्स द फर्स्ट लैंग्वेज आई लर्नड एज अ बेबी टू बी एबल टू टॉक टू माय पेरेंट्स। और हमारा बहुत अरसे से ये गोल था कि हमें कोई ऐसा काम करना था जो कि डेफ कम्युनिटी के लिए वो आसानी क्रिएट कर पाए जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है। बेशक वो टीवी पर एक चैनल देखना हो, बेशक वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर एक कंप्लेन दर्ज कराना हो, या बेशक वो जो है गली के कोने पर दूध डबल रोटी खरीदना हो, ये सारे काम एक वक्त पर डेफ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हुआ करते थे। और उन सबको आसान बनाने के लिए जो है अजीमा और मैंने फिर कनेक्टेड स्टार्ट किया। गोल ये था कि हमें आम आवाम को, आप तमाम को साइन लैंग्वेज सिखानी है ताकि आप मेरे पेरेंट्स से आराम से बात कर सकें, मेरे पेरेंट्स जैसे लोगों से आराम से बात कर सकें। लेकिन वो जो सिलसिला शुरू हुआ व्हेन वी स्टार्टेड दैट फेसबुक पेज, उसके बाद हमें काफ़ी लोगों ने रीच आउट किया, हमें इतने लोगों ने अपने मसलों के साथ, अपने चैलेंजेस के साथ रीच आउट किया दैट वी रियलाइज कि ये बहुत बहुत बड़ा गैप है सोसाइटी में, जो कि पाकिस्तान में उस वक्त 2017 में कोई भी इस चीज़ पर काम नहीं कर रहा था प्रोफेशनल लेवल पर। तो किसी ने वो स्टेप लेना था, सो दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड दैट इफ नो वन एल्स वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट। जब हम लोगों ने कनेक्टेड स्टार्ट किया था 2017 में, तो 2-18 साल के बच्चे होते हुए हम लोगों के पास अपनी रिसोर्सेज नहीं थे। इस वजह से हम लोगों ने एक फेसबुक पेज बनाया और इस पर हम छोटी छोटी वीडियोस बनाते रहते थे, जिसका मेन गोल ये था कि आम पब्लिक को हम लोग डेफ कल्चर के बारे में और साइन लैंग्वेज के बारे में आगाह कर सकें। सो साइन लैंग्वेज इज़ अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज, जिस तरह से हमारी स्पोकन लैंग्वेजेज हैं, उर्दू है, इंग्लिश है, जिसमें हम बातचीत करते हैं, कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इस तरह से साइन लैंग्वेज इज़ अ विजुअल लैंग्वेज। उसके अंदर हम हैंड साइंस यानी हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशंस और लिपसिंक का इस्तेमाल करते हैं। इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। तो पाकिस्तान में जो साइन लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज, PSL, क्रिकेट वाला PSL नहीं, साइन लैंग्वेज वाला PSL, और ये डेफ लोगों की जुबान है। जब हम एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे थे और डेवलप कर रहे थे, हमें पता था एक मेजर प्रॉब्लम है जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, और वो ये है कि हम उस ऑडियंस के लिए एक प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, उस ऑडियंस के लिए सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं जिनकी एकेडमिक और टेक्निकल लिटरेसी बहुत कम है। उसमें फिर हमारा मेजर फोकस ये था कि अगर कोई भी बंदा पहली दफ़ा फ़ोन यूज़ कर रहा हो, बेशक वो बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो, बेशक उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में कोई आइडिया ना हो उसको, वो जो है ऐप हमारी डाउनलोड करेगा, एक सिंपल लॉगिन करके उसको एक ऑरेंज बटन नजर आता है दैट आस्क्स हिम टू कनेक्ट नाउ। जब मैंने कनेक्टर स्टार्ट किया था तब अम्मी अब्बू कहते थे, बिकॉज मैं पढ़ भी रही थी और मैं काम भी कर रही थी, तो दे ऑलवेज यूज टू से कि हमारे लिए काम स्टार्ट किया और अब तुम्हारे पास हमारे लिए सबसे कम वक्त है, यू डोंट हैव टाइम टू टॉक टू अस बिकॉज यू आर ऑलवेज बिजी। बट अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव बीन माय बिगेस्ट सपोर्ट, दे आर वेरी हैप्पी टू सी द चेंज। और अम्मी हमेशा ये कहती है बिकॉज शी हैज़ बीन अ बैंकर फॉर 33 ईयर्स, और वो जब रिटायर हो रही थी तो उन्होंने ये बात कही कि 33 ईयर्स पहले आई विश के इस तरह की एक्सेसिबिलिटी होती ऑफिस के अंदर जो कि आज के दिन है। आज हमारी एप्लीकेशन इंटरनेट पर चलती है,
बट हमने बहुत रिसेंटली अभी अनाउंस किया है कि हमने एक ऐसी AI टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसके थ्रू साइन लैंग्वेज ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज हो सकती है बगैर किसी किस्म के इंटरनेट कनेक्शन के, और एक स्मार्टफोन्स पे हो, कंप्यूटर्स पर हो या टीवी पर हो, हमारी जो AI है वो एक कैमरे के थ्रू किसी भी डेफ बंदे की साइन लैंग्वेज को अब रिकग्नाइज कर सकती है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ HBLPSL और किंगडम वैली का जिन्होंने कनेक्टर के इस मिशन का पार्ट बनने का फैसला किया, हमें प्रमोट किया, हमें सपोर्ट किया। एंड आई विश एंड आई होप टू सी मोर एंड मोर वर्क बीइंग डन बाय योर ऑर्गेनाइजेशंस दैट्स एक्सेसिबल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस।